के हम पीवीएस से क्वेश्चन सॉल्व करें और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2018 स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 2B। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन जो वो लिख दिया है, तो क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं। अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 25 हाउसहोल्ड वाज ड्रॉन फ्रॉम अ सिटी एरिया कंटेनिंग 13,745 हाउसहोल्ड्स। द नंबर ऑफ पर्सन पर हाउसहोल्ड इन द सैंपल आर एस फॉलो। तो हमारे पास सैंपल जो है वो दिया हुआ है जिसमें 25 है। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द एरिया एंड ऑल्सो कंप्यूट द वेरियंस ऑफ द एस्टिमेट। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे सिंपल रैंडम सैंपल वो इसका में कहा गया है, सिंपल रैंडम सैंपल से किया गया जिसमें टोटल जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या है 13,745 और यहाँ पे सैंपल कितना है, सैंपल है 25 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें पॉपुलेशन टोटल निकालना है। तो देखिए आपको पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपको हम एक क्लासरूम का एग्जांपल देकर समझाते हैं। एक क्लासरूम है जिसमें 30 स्टूडेंट्स है, आपको 5 स्टूडेंट्स का एक सैंपल ड्रॉ करना है। पॉपुलेशन यहाँ पर 30 है, 5 सैंपल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स का सैंपल में इलेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे गिवन जो है वो हम लिख लेते हैं। देखिए गिवन कैपिटल एन 13,745, ठीक है, और सैंपल है 25। अभी हम क्या करेंगे, हम ये सब का समेशन करके हम लिख देंगे। तो वो क्या होगा, समेशन आई 1 to n स्मॉल n मतलब वो है 25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 वाई आई स्मॉल वाई आई इक्वल टू, हम क्या करेंगे ये सबका सम आपके लिए यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए टोटल जो है वो लिख दिया है। टोटल हमें कितना मिला, हमें 100 मिला। सैंपल का अगर हम टोटल करेंगे तो हमें 100 मिला है। तो अभी हम क्या निकालेंगे, इससे सैंपल मीन निकालेंगे। तो देखिए सैंपल मीन क्या है, सैंपल मीन इक्वल टू होगा 1/n स्मॉल n समेशन आई 1 to n वाई आई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 25। ठीक है, और सम हमने कितना निकाला, 100 निकाला। तो यहाँ पे हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4। ठीक है, तो देखिए हमें आंसर क्या मिला, हमें सैंपल मीन का आंसर 4 मिला है। तो देखिए हमें एक चीज पता है कि सैंपल मीन इज द इनवर्स एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, अभी हम आपके लिए वो चीज लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए लिख दिया कि सैंपल मीन इज द इनवर्स एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन मीन इज ऑल्सो इक्वल टू 4। ठीक है, अभी देखिए पॉपुलेशन मीन अगर 4 है, हमें यहाँ पे हमारे पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर है वो हमें पता है। तो यहाँ पे हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं पॉपुलेशन टोटल, ठीक है, पॉपुलेशन टोटल y, ठीक है, इनटू कैपिटल n इनटू y बार। ठीक है, हमें दोनों का वैल्यू पता है तो हम लिखेंगे, हम वो अपने लिए लिख लेंगे इनटू 4। हम आपके लिए मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर जो है वो लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द एरिया वो हम आपके लिए निकाल दिए। ठीक है, तो देखिए अभी हमें क्या करना है, हमें कंप्यूट द वेरियंस ऑफ द एस्टिमेटर मतलब पॉपुलेशन टोटल का वेरियंस जो है वो निकालना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले करेंगे कि सैंपल मीन स्क्वायर हम पहले आपके लिए वो निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमें जो है वेरियंस ऑफ द पॉपुलेशन टोटल निकालने में काम आएगा। ठीक है, तो पहले हम वो निकालते हैं अभी। तो देखिए हमने आपके पॉपुलेशन मीन स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लिख दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे n कितना है, स्मॉल n है 25, तो यहाँ पे माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पे समेशन है, समेशन i 1 to n मतलब 25। ठीक है, y i स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अभी देखिए यहाँ पे समेशन है और यहाँ पे तो i का टर्म ही नहीं है, तो समेशन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू स्मॉल y बार, स्मॉल y बार कितना है, वैल्यू है 4। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे होगा 4 स्क्वायर। ठीक है, तो आपके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे आपके लिए हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए कैलकुलेट करके लिख दिया, हमें सैंपल मीन स्क्वायर कितना मिला, 2.33। ठीक है, देखिए हमारा बोर्ड बहुत ही छोटा है इसीलिए हम दोबारा इसको साफ करेंगे और दोबारा आपको बाद में लिखना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए निकाला था सैंपल मीन स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर इक्वल टू 2.33। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है, पॉपुलेशन टोटल। ठीक है, पॉपुलेशन हमें टोटल जो है वो निकालना है,
तो इसका क्या होगा, इसका होगा वेरियंस ऑफ एन इंटू वाई बार। ठीक है, अभी देखिए ये हमें निकालना है। अभी देखिए यार, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में दो केस है, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे दोनों केस करेंगे। तो पहला केस कौन सा है, विथ रिप्लेसमेंट। देखिए आपको हम ब्रीफ में समझा देते हैं कि विथ रिप्लेसमेंट केस क्या होता है। मान लीजिए मैंने आपको जो क्लासरूम का एग्जांपल दिया था, 30 स्टूडेंट्स हैं, आपको 5 चूज करना है। यहाँ पे आप क्या करें, आप एक को चूज करने के बाद दोबारा आप उसका नाम नोट किए, दोबारा आप उसको 30 में जो है पॉपुलेशन है उसमें भेज दिए, दोबारा आप एक सैंपल चूज किए। तो इससे क्या होता है कि एक सैंपल जो है वो सैंपल साइज हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है और एक सैंपल का एक से ज़्यादा बार सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये है विथ रिप्लेसमेंट। अभी आप यहाँ पे देखिए, विथ रिप्लेसमेंट केस में हमें निकालना क्या है, वेरियंस ऑफ एन वाई बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरियंस, तो यहाँ पे एन स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिला वेरियंस ऑफ वाई बार। ठीक है, तो देखिए सैंपल जो है क्या है, जो आर एस है विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है सिग्मा स्क्वायर बाय एन। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाय एन। और देखिए हमें एक चीज़ पता है, ये जो है ये यहाँ पे आप लिख लीजिए एस आर एस डब्ल्यू आर में ये होता है। ठीक है, अभी आप एक चीज़ देखिए, हमें और एक चीज़ पता है कि एन स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर की जगह पे हम सैम्पल मीन स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एन एस आर एस डब्ल्यू आर एस्टिमेशन ऑफ एस एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो वहां से हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें सभी का वैल्यू जो है वो पता है, तो सभी का वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे। तो देखिए एन स्क्वायर का वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर का वैल्यू है 13745 स्क्वायर इंटू 2.33 बाय 25। हम आपके लिए कैलकुलेट करके लिख देंगे। तो देखिए हमारा जो है इसका आंसर निकल गया। वैसे हम क्या करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट भी करेंगे। देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में होता है कि हम एक सैंपल को चूज किए, उसका नंबर नोट किए, लेकिन उसको हम अलग कर दिए। तो इससे क्या होता है कि सभी सैंपल को इक्वल मौका मिलता है सैंपल में चूज होने का, और एक सैंपल एक बार ज़्यादा चेंज नहीं हो, मतलब दोबारा एक सैंपल एक बार ज़्यादा इंक्लूड नहीं होता है। और क्या होता है, इसमें जो पॉपुलेशन साइज है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता है, यह विथ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पर भी हम सेम चीज़ निकालना है, हमें निकालना है कि वेरियंस ऑफ एन वाई बार। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, और वेरियंस ऑफ वाई बार, तो यहाँ पे एन स्क्वायर इंटू, इसमें जो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट होता है एन माइनस एन, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन बाय कैपिटल एन स्मॉल एन इंटू एस एस स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए एस आर एस डब्ल्यू आर के लिए ये होता है। ठीक है, और एस आर एस डब्ल्यू आर के लिए हमें और एक चीज़ पता है कि जो एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल एस एस स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन स्क्वायर, तो यहाँ पे एन हो जाएगा इंटू एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन इंटू एस कैपिटल एस स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल एस स्क्वायर हो जाएगा बाय स्मॉल एन। तो देखिए यहाँ पे हमें सभी का जो वैल्यू है वो पता है, तो हम वैल्यू जो है वो लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, कैपिटल एन का वैल्यू है 13745। ठीक है, इंटू देखिए 13745 से अगर 25 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 13720 इंटू 2.33। ठीक है, बाय क्या होगा, बाय होगा एन। अभी देखिए एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 25। हम आपके लिए कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए हमने आपके लिए कैलकुलेट करके लिख दिया। देखिए हम यहाँ पे डेसिमल में नंबर में नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो पॉपुलेशन को लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने डेसिमल जो नंबर है वो हमने नहीं दिया। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। आपके लिए हम एक काम करेंगे कि अभी तक हमने जो जो फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे वो सब आपके लिए समराइज करके हम लिख देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको कोई और क्वेश्चन में अगर उसे यूज़ करना है तो आपको यूज़ कर सके, कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए जो जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया वो सभी यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो कौन सा है, पहला है सैंपल मीन, सैंपल मीन का फॉर्मूला हमने आपके लिए लिखा है। सेकेंड कौन सा है कि सैंपल मीन इज अनवर्स एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। ठीक है, ये सेकेंड है।
इसके बाद सैंपल मीन स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, पॉपुलेशन टू टर्न का फॉर्मूला, SRSWR के लिए वेरियंस, वेरियंस मतलब वेरियंस ऑफ वाई बार, और यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ एस स्क्वायर मतलब जो सैंपल मीन है उसका सिग्मा स्क्वायर होता है, और विदाउट रिप्लेसमेंट का भी हमने वैसा लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ये सब फॉर्मूला याद रहा तो आप आसानी से कर सकते हैं और कम टाइम में आप कंप्लीट नंबर कैरी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट से लिख सकते हैं, हम आपकी डाउट क्लियर करने की या आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इसको फेसबुक देखिए तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।